अक्षय इंडस्ट्री के वो एक्टर हैं जो दोस्तों के दोस्त हैं और यारों के यार। अब तक 100 से भी ज्यादा फिल्में कर चुके अक्षय अपने साथ काम करने वाले हर एक्टर को याद रखते हैं, और ऐसे में जब उन्हें पता चला कि 2003 में आई उनकी फिल्म अंदाज में उनके साथ काम कर चुके एक्टर खुशाल पंजाबी की मौत हो गई है, तो एक बार को तो उन्हें अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ। उस टाइम खुशाल पंजाबी के साथ बिताए वक्त के बारे में मीडिया ने जब अक्षय से सवाल किए तो सुनिए एक्टर ने क्या कहा। कुशल ने मेरे साथ एक फिल्म अंदाज में काम किया था। हर किसी की अपनी परेशानियां होती हैं। कुछ लोग ये समझ जाते हैं लेकिन कुछ लोग ये समझ नहीं पाते। हमेशा याद रखें कि आपका परिवार सबसे जरूरी है। अपनी मुश्किलों का सामना करने की हिम्मत रखें, क्योंकि ये जिंदगी बेहद खूबसूरत है। आपके माता पिता ने ये खूबसूरत जिंदगी आपको दी है। आप अपनी जिंदगी पर ध्यान दें लेकिन अपने डिप्रेशन का इलाज भी करवाएं। वाल अक्षय की तरह इस खबर ने सभी को हिला कर रख दिया। रिपोर्ट्स की माने तो 37 साल के कुशल ने अपने फ्लैट पर कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से सुसाइड का स्टेप लिया। बताया जा रहा है कि कुशल अपने बेटे कियान के काफी करीब थे, लेकिन उनकी वाइफ और उनके बीच डिफरेंसेस के चलते वो अपने बेटे से दूर हो गए थे। कुशल के दोस्तों की माने तो कुशल पंजाबी हमेशा अपनी फिटनेस और अपनी खुश मिजाजी के लिए जाने जाते थे। ऐसे में कुशल जैसे इंसान का ऐसा स्टेप लेना किसी के गले नहीं उतर रहा। वह इस इंडस्ट्री का ये पहला किस्सा नहीं है, बल्कि इससे पहले भी इस इंडस्ट्री से ऐसे कई अनचाहे मामले हमारे सामने आ चुके हैं। अब ये हकीकत है या फिर कुछ और, ये तो नहीं पता, लेकिन इन सबको देखकर अक्षय ने जो राय दी है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल ठीक है। डिप्रेशन से हारना नहीं बल्कि उससे लड़ना सीखना ही होगा। खैर, हम आपसे जानना चाहेंगे आपकी राय कि आप खिलाड़ी कुमार की बात से कितना वाकिफ रखते हैं। जवाब जरूर दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में।